आख मिनट रुक जाओ, ये लगा आप माइक लगा इला करो, लोग वो बगैरिया कर दो लाइव ना चला, लोग वो बगैरी कर दो, ये शेयर कर दीजिए ऐसा मुझे थोड़ा कुछ बात पता कर सकते हैं आप मिनट दीजिए कुछ बेटी इदरीस भाई से इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कश्मीर में और हर किसी का कहना है कि इसमें इदरीस मीर का हाथ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हर किसी का कहना नहीं है, कुछ लोग ड्रैग कर रहे हैं इदरीस मीर नाम को, क्योंकि इदरीस मीर के नाम से हमेशा फेम लिया गया है, इदरीस मीर के नाम से हमेशा व्यूज लिए गए हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया की बात है, ये बात ऑफलाइन की नहीं है, ये बात सोशल मीडिया की है। जब भी बात ऑफलाइन की ऑनलाइन की आती है तब इदरीस मीर को हमेशा यूज किया जाता है। अब रही बात ऑनलाइन स्कैम की, जब भी आप सब लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सब मीडिया वालों से, जब भी कोई ब्रांड आपके पास आता है आप क्या करते हैं? आप ऑब्वियसली उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं, आप ये देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड है, आप ये देखते हैं कि ये लीगल कंपनी है या नहीं, उसके बाद ही आप किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो वैसे ही मेरा भी एक प्रोटोकॉल होता है, एक हर किसी इन्फ्लुएंसर का प्रोटोकॉल होता है कि वो क्या करते हैं, वो एक ब्रांड को पहले चेक करते हैं, वो देखते हैं कि ये ब्रांड जो है ये लीगल है, क्या ये गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, उसके बाद ही सारी कुछ कार्रवाई होती है और हम उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और रही बात प्रमोशन की, ये प्रमोशन बस मैंने नहीं की है, ये प्रमोशन और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने की है, ये आशीष कोहली साहब ने भी की है ना, तो इस चीज से मुझे बस ड्रैग किया जा रहा है क्योंकि उनका उनके पास वेव्स आ रहे हैं इस चीज के। और ये कंपनी अभी 3 महीने से नहीं चल रही है, लास्ट 1 साल से कश्मीर में ऑपरेट कर रही है, इसका जम्मू में ऑफिस है, इसका श्रीनगर में ऑफिस है, इसका पटन में, बारामूला में, संग्रामा में, बडगाम में, हर किसी जगह इसका ऑफिस है। तो 9 मंथ से अभी तक क्या हो रहा था वो तो कोई बोल नहीं रहा, अभी इदरीस मीर ने इसका वीडियो बनाया और वो भी एक पेड प्रमोशन थी, ये एक पेड प्रमोशन थी, ऐसा नहीं कि मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूं। जिस किसी भाई का भी पैसा गया है या किसी बहन का पैसा गया है, मैं उनसे हमदर्दी जताता हूं, मैं उनके साथ हूं, मैं पहले भी उनके साथ था, अब भी उनके साथ हूं और हमेशा मैं उनके साथ रहूंगा, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहें जो उनको फॉलो करते हैं। अब रही बात कि ड्रैग करना मेरा नाम इस चीज में, वो इसलिए क्योंकि उनको वेव्स मिल रहे हैं। एक आज ही एक जर्नलिस्ट ने बोला कि हे इदरीस मीरन बनो घर आज चीज, तो ये तो आजकल तो ये तो ऑब्वियसली अब तो सारा कुछ बदल चुका है, अब तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ चोरी छुपाए, अब तो सारा ट्रांसपेरेंट है, आप चेक कीजिए कहाँ पे क्या हुआ है, क्या चीजें हुई है, और रजिस्ट्रेशन जब चेक हुई है इस चीज की तब जाके मैंने भी इसको प्रमोट किया है और तब जाके ये चीज जो आ गया है, और अब ऑब्वियसली मैं लोगों के साथ हमेशा हूँ और हमेशा मैं उनके साथ रहूंगा। इसमें अगर देखा जाए इसमें और भी कुछ थे जिन्होंने ये प्रमोट किया था, सिर्फ इदरीस मीर का नाम क्यों सामने? जैसा कि मैंने पहले बोला कि कुछ लोग ड्रैग कर रहे हैं नाम को क्योंकि उनसे उससे उनको टीआरपी मिल रही है और उनके खिलाफ ऑलरेडी मैंने लीगल एक्शन जो है वो लिए हुए हैं, ऑलरेडी वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वो किसी का नाम खराब करना ये अच्छी बात नहीं होती है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए गए हैं। और इदरीस भाई आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? मैंने बहुत कांटेक्ट करने की, जैसा बाकियों का हाल है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वैसा मेरा भी हाल है, मेरा भी उनके साथ कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा, तो साइबर पुलिस के पास ऑलरेडी ये चीज चली गई, ऑफिशियल्स के पास ऑलरेडी ये चीज चली गई। इदरीस जहाँ तक बात करें लड़कों का तो ठीक है, लेकिन आपके व्लॉग्स देखकर लड़कियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आपको लगता है ये बारी गलती होगी? देखिए जब भी आप, मैंने पहले ही बोला, जब भी आप कोई ब्रांड प्रमोट करते हैं आप उसकी लीगलिटीज चेक करते हैं, जब लीगल है वो कंपनी, मैंने पहले ही बोला, फॉर एग्जाम्पल अगर सलमान खान किसी कंपनी का, वो किसी लाइक फॉर एग्जाम्पल वो एक ब्रांड का प्रमोशन करता है, अंडरवियर ब्रांड का प्रमोशन करता है, अब अंडरवियर फट जाता है तो वो किसके पास चले जाएंगे, कंज्यूमर किसके पास जाएंगे? सलमान खान के पास ऑब्वियसली। अब शाहरुख खान जो है वो गुटखा का ये करता है, अब कोई पता ना खासा उसे मर जाता है तो लोग कंपनी के पास जाएंगे, शाहरुख खान के पास जाएंगे। तो इदरीस भाई जिस टाइम आपने इसकी प्रमोशन की थी क्या आपने सारे इसके डॉक्यूमेंट चेक किए थे? डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली दिखाता हूं कि मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। इदरीस जब तक आप डॉक्यूमेंट शो करें तब तक आपको एक सूचना में देना चाहता हूं कि ये जो है कंपनी चेन्नई में भी रजिस्टर हुई थी, उसके बाद वहां से ये बात कर जो है कश्मीर आए, ये आपने वो ट्रैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिवेट हुआ है, जब इनके गवर्नमेंट ने इनके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया, इन्फ्लुएंसर को कहाँ से पता चलेगा? एमएसएमई में कोई भी रजिस्टर कर सकता है? नहीं, जीएसटी कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, जे एंड के बैंक में क्रिएटिव नाम से कोई भी, एचडीएफसी में क्रिएटिव सर्वे के नाम से कोई भी कर सकता है, ऑफ कोर्स दे कैन प्रोड्यूस देयर डॉक्यूमेंट्स। तो हमारे पास लीगली यही ऑप्शन रहता है ना कि आप जब भी लीगली कोई चीज देखते हैं आप यही देखते हैं कि क्या वो लीगल है, तब जाके आप उस कंपनी का ऐड करते हैं। अब जब लीगलिटीज है आपके पास और क्या ही ऑप्शन होता है आपके पास? आपके पास कौन सा ऑप्शन और है ये चेक करने के लिए कि ये कंपनी लीगल है या नहीं, आप ही बताइए।
अब जिस किसी ने भी आपका नाम लिया कि आपने लीगल एक्शन इनिशिएट किया है 100% आज ही पूरा एक्शन जो है वो लिया गया है, आज ही सारी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये देखिए जी, ये कंपनी जब हमने एडवर्टाइजमेंट किया था सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए थे, कंपनी के ऑनर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे पैन कार्ड, क्रिएटिव सर्वे का पैन कार्ड, उसके बाद ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, ये कॉर्पोरेट अफेयर का है, ये ऐसा नहीं कि अभी ही बनाया है किसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक की हम पूरा वेरिफिकेशन करके ही किसी भी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तब जाके उसको एंडोर्स करते हैं, जब वो लीगल होती है तब जाके हम इस चीज़ को करते हैं, बिना ऐसे ही जाने रहे। तो इदरीस भाई, इतना बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का, 69 करोड़, बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? 69 करोड़ लास्ट एक साल से हुआ है, लास्ट एक साल से ये चीज जो कमा रहे थे वो कमा रहे थे, अब लोगों को भी पता चला ये फ्रॉड है और मुझे भी पता चला ये फ्रॉड है, कल तक अब ये नहीं पता फ्रॉड है क्या है क्या सब, वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली पुलिस डिसाइड करेगी, वो ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे, मैंने अपना पक्ष सबके सामने रख दिया है कि मेरा कंपनी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने इस ब्रांड को बस प्रमोट किया था, मुझे इसके जो है इसका फी मिलता है, जो हम करते हैं किसी भी ब्रांड काम करते हैं हमें उसका फी मिलता, कोई भी इन्फ्लुएंसर करे, कोई भी सेलिब्रिटी करे, कोई भी और कोई भी मीडिया पर्सन, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करे, उनको उसका फी मिलता है, वो वेरीफाई करते हैं और दैट्स इट, खत्म हो जाता है। क्या इदरीस मीर को लगता है जाने अनजाने में गलती होगी? देखो, गलती अगर मेरी ये होती कि मैंने डॉक्यूमेंट्स के बगैर चेक किया होता, मैंने वेरीफाई करने के बगैर किया होता और ये लीगल नहीं होती, तब इदरीस मीर वहां पे जो है लीगली भी फंसता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीगली बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने लीगली पूरा जो है वो किया हुआ है। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं हर किसी के साथ हूँ, जो भी कश्मीरी भाई हैं, कश्मीरी भाई बहन जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता, मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता। Once more, मैं कंपनी की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता, ये ऑफिशियल्स का काम है, वो ये देखिए। असल में ये कंपनी कहाँ की है, जो इसका जो हेड है, क्या उनके साथ चेन्नई बेस्ड, ये एक ग्लोबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये कश्मीर बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है जी। ये क्यूरेटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, प्राइवेट लिमिटेड ही मीन्स की दिस इज एन गवर्नमेंट रिकोगनाइज कंपनी, तो ये हर जगह पे है, ये स्टार्ट जम्मू से हुआ है और इसका मेन फ्लोर जो है वो जम्मू में है, तो वहां के इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक तो नहीं किया जा रहा, कश्मीर में बस इदरीस मीर। और किस किस ने इसका प्रमोशन किया था? इसके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, आशीष कोहली ने किया, बहुत सारे, आप उनका क्रिएटिव सर्वे का पेज चेक कीजिए हर जगह पे। तो आप ही का नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज लोगों को इससे व्यूज मिल रहे हैं। तो आपने अभी जो जिनके साथ भी आप कनेक्टेड थे, जिनके थ्रू आपको ये एडवर्टीजमेंट मिली थी, तो उनके साथ आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की? कल दिन पूरा कांटेक्ट हो रहा था उनके साथ, पूरा दिन उनके साथ बात हो रही थी और वो ये बोल रहे थे कि साइबर पुलिस में जा रहे हैं हम सारा ये मसला हल करेंगे, कुछ ग्लिच वगैरह, और शाम को फिर उनका फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तो ऑफिशियल्स की तरफ से आपको कोई कॉल आई इस रिलेटेड? नहीं, ऑफिशियल से मैं खुद ऑफिशियल से मिलने गया था यहीं से, उनको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उनके सामने, उनके डॉक्यूमेंट सारे उनके, क्योंकि मैं क्लीन हूँ, मेरे अकाउंट्स क्लीन हैं, मेरा सब कुछ क्लीन है, लीगली मैं लीगल तरीके से चला हूं इस एडवर्टीजमेंट में, और जैसे बाकी ब्रांड्स का मैंने एडवर्टीजमेंट किया है वैसे इस ब्रांड का भी मैंने। तो खुद भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें? नहीं, मैंने खुद, मैं एज प्रमोटर काम कर रहा था, मैंने दो वीडियो इसमें बनाए, एज ब्रांड एम्बेसडर काम किया मैंने, ब्रांड को शायद आपने वीडियो में बोला था कि मैंने भी इसमें किया, अपना भी बोला था? नहीं, वीडियो में किसी जगह ये नहीं होगा कि मैंने इससे अर्न किया, वीडियो में ये होगा कि आप इसे कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड ब्रांड है क्योंकि ये लीगल लीगली गवर्नमेंट के पास रिकॉग्नाइज है। क्या आपको लगता है ये गलत हुआ लोगों के साथ? ऑब्वियसली ये लोगों की, ये मेरे साथ भी गलत हुआ। ये अगर हम बोलते हैं कि कश्मीर अब बदल गया है, कश्मीर अब बदल गया है, फिर हमें ऐसी कंपनीज यहाँ पे आएंगी जो हम सबको धोखा देके चली जाएंगी, फिर कश्मीर कहाँ बदला है, फिर तो कश्मीर वहीं पे। अब जबकि लोगों को चूना लग गया, क्या इदरीस मीर खुद एक एक्शन इनिशिएट करेंगे इस कंपनी? एक्शन ऑलरेडी इनिशिएट हो गया, एक्शन ऑलरेडी। वीडियो में आपने एक जगह पे कहा था कि जो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, मैं जो खुद इस पर ट्रस्ट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इस बिना पे बोला जाता है जब आप उसकी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्रीज फॉर्मेलिटीज चेक करते हैं, जब आपके पास सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसके पास। मैं आपको एग्जांपल देंगे, आप किसी जगह जमीन खरीदने जाते हैं, आप क्या उसका चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट्स। अब उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे ना, अब वो डॉक्यूमेंट्स फेक भी बन सकते हैं या वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी हो सकते हैं। बिल्कुल, है ना? जब आप डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तभी जाके आप उस पर कब्जा करेंगे, तभी जाके आप उस पर रहने जाएंगे। बिल्कुल। अब आपको किसी टाइम ये पता चलता है कि मुझे तो फेक डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, आप क्या करेंगे उसमें? तो एट द एंड क्या इदरीस मीर इस बात की जो है वो लेते हैं कि गलती हो गई थी? मैं कंपनी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ हां, ये ऐसा मुझे दुख है कि हमारे भाइयों बहनों के साथ ऐसा हुआ है, ये दुख मुझे।
तो आज आप बोल रहे हैं कि कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, जब आपने ये बताया उस टाइम क्या बता रहे थे? उस टाइम पे सारी रिस्पांसिबिलिटी इसलिए ली जाती है क्योंकि लीगल फॉर्म, जैसे मैंने अभी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, दैट मींस कि वो तो आपको लगता है अभी जो लीगल फॉर्मेलिटी वो गलत है जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स अभी, वो अभी भी रजिस्टर्ड, वो अभी भी कंपनी पे आप बोल रहे हैं कि रिस्पांसिबिलिटी नहीं, रिस्पांसिबिलिटी क्योंकि मैं कंपनी का हिस्सा नहीं हूँ, ये एक एडवर्टीजमेंट है, एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। जब इन्फ्लुएंसर के पास जब भी, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी के पास भी एडवर्टीजमेंट आता है, आप चेक करते हैं ना कि वो लीगल है कि नहीं, उससे उसके अलावा क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट है, कल आपको कोई एडवर्टीजमेंट दे देगा कुछ भी बोलने के लिए, आप बोल दोगे उसमें? नहीं, आप मैंने नहीं, उसमें उस वक्त आपने मेंशन नहीं किया था एडवर्टीजमेंट का, हम इसीलिए बोल रहे हैं जिस टाइम आपने वीडियो बनाया डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर लिखा होता है, जब भी आप कोई पेड प्रमोशन करते हैं उसमें एक टिक दिया होता है कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड। ये YouTube का भी और Facebook का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है। और रही इनके क्वेश्चन की बात, आप बोल रहे हैं कि उस टाइम पे आपने क्यों नहीं देखा, मैं लास्ट 30 मिनट से बोल रहा हूँ कि इसकी सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही इस ब्रांड को जो है प्रमोट किया। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन लोगों को इतना नुकसान हुआ? मैं उनके साथ हूँ, उनको जब भी किसी भी लीगल जगह पे जरूरत पड़े मैं उनके साथ हूँ, कल भी उनके साथ था, आज भी उनके साथ हूँ और हमेशा उनके साथ रहूंगा क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करते हैं और हमेशा भरोसा मैं बना के रखूंगा और उनका साथ हमेशा देता हूं। और जो आपके खिलाफ अभी बिल्कुल ट्रेंड चलाया गया है सोशल मीडिया पे, हर किसी जगह पे इदरीस मीर का नाम लिया जा रहा है जबकि कंपनी का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली, मैं इसी चीज से हैरान हूँ कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऑलरेडी जो है वो पैसा किसी को दिया, किसी कंपनी को दिया है, पैसा मेरे अकाउंट्स में नहीं आया है, पैसा कंपनी को दिया, मैं तो बस एक प्रमोट कर रहा था उस चीज को, है ना। तो अब कंपनी को तो कोई बोल नहीं रहा है, जो उनके मुलाजिम थे उनको तो कोई बोल नहीं रहा, अब कुछ लोग मुझे ड्राइव कर रहे हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी मैंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी। थैंक यू इदरीस साहब, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपको पूरा कश्मीर देखता है, जब आपने ये मतलब एडवर्टीजमेंट किया होगा, आप उनके कुछ फोटो